आज माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी से मीटिंग थी, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, हमारी मीटिंग्स चलती रहती हैं रेगुलरली। दो तीन हमारे मुद्दे थे जो डिस्कस किए, और उन्होंने कहा कि जल्दी इनका कोई ना कोई हल निकल जाएगा, और बहुत ही अच्छी मीटिंग रही, फ्रूटफुल रही। आरडीएफ का पैसा, रूरल डेवलपमेंट का 2800 करोड़ के पास हमारा स्टक है, पिछली सरकारों की गलतियों की वजह से। हमने एक्ट भी चेंज कर लिया, तो अब ये इन्होंने कहा है कि आश्वासन दिया कि जारी कर देंगे। और जो बॉर्डर की जो फेंस है, तार है, जो कई जगह पे चार चार किलोमीटर अंदर है, तो बहुत सी ज़मीन तार के पार है, तो किसानों को आईडी दिखाकर बाहर, मतलब तार के पार खेती करनी पड़ती है। बीएसएफ का भी टाइम जाता है, फ्रिस्किंग करते हैं, साथ में बीएसएफ जाती है खेती करवाने के। तो हम चाह रहे हैं कि उसको जितनी नज़दीक लेके जा सकते हैं इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक, उसको वहाँ पे, हम पठानकोट में एक पायलट कर रहे हैं कि 200 मीटर पे ले जाएंगे, तो बहुत सी ज़मीन जो है वो तार के इस पार आ जाएगी। किसानों की भी समस्या बहुत बड़ी है, ये काफ़ी देर से अटका हुआ है, तो इसके बारे में उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको ट्रायल करके देखते हैं। और बाकी पंजाब पुलिस की जो मॉडर्नाइजेशन है उसके लिए, क्योंकि ड्रोन आते हैं और पुलिस को असी टेक्नोलॉजी से पूरा लैस करना चाहते हैं। बीएसएफ के साथ मिलके काम करते हैं हम, बहुत से ड्रोन पकड़े जाते हैं, गैंगस्टर पकड़े जाते हैं, उधर से नशा आता है, ड्रग आता है, पकड़ते हैं, और अच्छी कोऑर्डिनेशन हमारी चल रही है सब केंद्र की एजेंसियों से भी। तो हमने उनको एक दो काम उन्होंने हमारे प्रूव भी कर दिए, उसके लिए धन्यवाद भी बोला गया। और बाकी समय समय पर होम मिनिस्टर साहब से मीटिंग होती रहेगी। गुजरात चुनाव में सर आप गए थे, सर आप गुजरात चुनाव में गए थे, सर गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन 5 ही सीट ले पाई, बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की सर वहां पे। देखो 2017 में हमारी कितनी थी वहां, जीरो, ठीक है, हम जीरो से 5 आ गए, हमारा खाता खुल गया, हमारा 13% के लगभग वोट शेयर मिला, नेशनल पार्टी बन गए, 10 साल की पार्टी है। 2 हमारे एमएलए गोवा में हैं, 5 हमारे गुजरात में हैं, 2 सरकारें हैं, 10 हमारे राज्यसभा के एमपी, तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है आम आदमी पार्टी। और हमने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, बाकी तो जनता जनार्दन है, फैसला उन्होंने लिया है। केजरीवाल जो है यहाँ पे आके इन्होंने अननेसेसरी का वो क्रिएट किया है, और जो है इनका इन्होंने गुजरातियों का, जो गुजरात के लोग हैं उनका अपमान किया है। नड्डा साहब को बोलो हिमाचल संभाल ले। एबीपी सांचा, जोश, जज्बा, जुनून।